So this is the screen, if it is visible. So you see what are the things we have. As Ayush has taught, we can schedule a meeting for Zoom as we have scheduled for Google Meet. And we can start a new meeting, we can join or we can share the screen. So there are certain features जो कि हमारे पास Zoom में extra है और कुछ सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले है कि हम अगर एक new meeting शुरू करना चाहते हैं तो ये simple है. Just हमने क्या किया, हमने new meeting पे क्लिक किया और ये खुल गया. अब न्यू मीटिंग में आपसे पहले Zoom पूछता है कि आप अपना ऑडियो को अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो आप रखना चाहती हैं या ओपन करना चाहती है. उसके बाद हमारा रहता है अगर पार्टिसिपेंट्स हैं तो हम क्या करना चाहते हैं विद द पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पे हमारे पास है जूम चैट. हाँ, यहाँ से आ रहा है हमारे पास इनवाइट. जब हम इनवाइट करना चाहते हैं तो हमें हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम अगर ईमेल करना चाहते हैं तो हम जीमेल में डायरेक्टली इनवाइट भेज सकते हैं या हम कॉपी इनविटेशन करके या कॉपी इनवाइट लिंक करके लोगों को हम इसको भेज सकते हैं. अगर हम क्लियर नहीं है तो हम फिर से बता रहे हैं. देखिए, पहला आपका अपने आप को म्यूट करने का ऑप्शन आता है, दूसरा अपना वीडियो म्यूट करने का ऑप्शन आता है, तीसरा सिक्योरिटी फीचर को आप जाने दे सकते हैं. आपको पार्टिसिपेंट केवल एक दिखाया जा रहा है, यानी आप अकेले इसके पार्टिसिपेंट हैं. उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपेंट के यहाँ से जब आप छोटा सा क्लिक कीजिएगा, देखिए आपके पास इन्वाइट आ रहा है. इन्वाइट में आपका कॉन्टैक्ट है जो आप जूम कॉन्टैक्ट की तरह सेव भी करके रख सकते हैं या तो सिंपल है ईमेल. कॉन्टैक्ट वेंटैक्ट सेव करने के उसमें मत पड़िए, सीधा ईमेल पे जाइए, जीमेल पे क्लिक कीजिए. जिस जिसको आपको अपना इनविटेशन भेजना है उसका डायरेक्टली आपका ऐसे करके खुलेगा जीमेल पे और आप इमिडिएटली आप उनको अपना ये भेज सकिएगा. कोई भी जो आपको भेजना है इनविटेशन आप भेज सकते हैं. प्लस ये भी है कि आप इनवाइट से कॉपी लिंक भी कर सकते हैं. लिंक कॉपी करके किसी को भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉपी इनविटेशन भी कर सकते हैं. उसके बाद के फीचर्स हमारे हैं शेयर स्क्रीन. ये शेयर स्क्रीन में जो हम बात कर रहे थे तब सर से कि हमारे पास कुछ फायदे हैं लेकिन जूम में भी कुछ चीजें जो कि हो नहीं पाती है. शेयर जो भी आप करना चाहते हैं उसको एज अ विंडो पहले ही खोल के रखिएगा. अगर आप पहले से नहीं खोल के रखिएगा तो ये आपका शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन में नहीं आएगा. और अगर ये शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन में नहीं आता है तो आप उसको किसी भी हालत में मीटिंग के दौरान नहीं खोल सकते हैं. अब इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर है ये हमारा व्हाइट बोर्ड. आप व्हाइट बोर्ड क्लिक कर सकते हैं और व्हाइट बोर्ड टिपिकली जैसा एक स्कूल का व्हाइट बोर्ड होता है उस तरह से आपका यूज होगा. व्हाइट बोर्ड के साथ आपको तमाम चीजें भी ये देता है, जैसे कि टेक्स्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम ऑल. सो वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट इन अ ब्लैक बोर्ड और वॉट एवर वे आई वॉन्ट टू यूज इट, आई कैन ड्रॉ, आई कैन मेक अ स्क्वायर. इसमें देखिए अब अनम्यूट वीडियो सिक्योरिटी आप लोग को दिख रहा है नीचे लिखा हुआ, अनम्यूट, स्टॉप वीडियो, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स, चैट, शेयर स्क्रीन, रिकॉर्ड, सब दिख रहा है जी. तो मैं शेयर स्क्रीन से आप लोग से बात कर रही थी. जब मैं शेयर स्क्रीन में जा रही हूँ इसमें हमारे पास दो ऑप्शन रहता है. सबसे पहले शेयर आप कितने लोगों के साथ करना चाहते हैं. देखिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम और मल्टीपल पार्टिसिपेंट. ये जूम ने एक नया फीचर एड किया है कि अगर चाहते हैं तो हम पंकज सर, कृष्णकांत सर एक साथ हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं. एक साथ मल्टीपल टीचर्स जिसको हम लोग टीम टीचिंग बोलते हैं वो संभव हो सकता है. इसके तहत फिर कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के भी इंटरैक्टिव क्लासेस आप लोग करवा सकेंगे. तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स का यूजेज देते हैं करके शेयर स्क्रीन में हमने जैसे कहा था हम आपके साथ व्हाइट बोर्ड को शेयर करना चाहते हैं. ये जब आपने वहां से क्लिक किया शेयर व्हाइट बोर्ड तो जब हम व्हाइट बोर्ड में आए तब देखिए ये तमाम चीजें जो हम आप लोग को बता रहे थे ये एनोटेटेड ग्राफ आपके पास मौजूद है. और एनोटेशन यूज करते वक्त आप देखिएगा, लेकिन जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं अब आप लोग को दिख रहा होगा आप टेक्स्ट से कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्टैम्प से कोई भी इंडिकेशन दे सकते हैं. सबसे बढ़िया इसमें औजार है आपके पास स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट दिखा के आप कोई भी फाइन चीज को जैसे कि आप पीपीटी प्रेजेंटेशन जब आप
फिजिकली किया करते थे, तो आपके पास एक रेड कलर का टॉर्च हुआ करता था जिसको आप लगा के आप दिखा सकते थे जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम पिन करना चाहते हैं, वो प्रोविजन आपको स्पॉटलाइट दे रहा है। इरेजर से आपका कुछ भी रब हो सकता है, और उसके बाद आप इस व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए कोई भी चीज को आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह आप सेव कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस ये दे रहे हैं। जब आप करेंगे आप बस इतना याद रखिएगा जो ऊपर के सारे ऑप्शंस के साथ एक मोर ऑप्शंस आ रहा है आपके पास। ये मोर ऑप्शन दिख रहा है पंकज जी? हेलो जी मैम, दिख रहा है। हाँ जी, मोर में आप हमेशा याद रखिएगा, व्हेन यू गो टू मोर प्लीज डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, बिकॉज पार्टिसिपेंट अनोटेशन, ये फिर से ये हट रहा है, अगर पार्टिसिपेंट अनोटेशन नहीं डिसेबल्ड होगा तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा इस पे काम करने के लिए। तो यहाँ तक आपका जूम में एनोटेशन का यूज है। फिर ये था आपका शेयर स्क्रीन। आपके पास जूम का सबसे बढ़िया तरीका है जो आपको रिकॉर्ड करने को मिलता है, रिकॉर्डिंग है, और आपके पास रिएक्शंस है। आप या तो थम्स अप दे सकते हैं या तो आप ये ताली बजा सकते हैं। इफ यू आर लाइकिंग समथिंग दैट द स्पीकर इज सेइंग तो आप ताली बजा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन पे व्हाइट बोर्ड खोल रहे हैं, यहाँ से सिंपली आपको ये व्हाइट बोर्ड खोल के यहाँ पे शेयर देना है, ठीक है? Okay, so you see these are the features that are given in the whiteboard, which is a speciality of Zoom, along with recording. It gives you text, draw, stamp, spotlight, eraser, format, undo, redo, जितनी चीजें आपको चाहिए, जिसमें से मैं बोल रही थी spotlight खासियत है। तो ये सारी चीजों को आप मतलब Zoom खोल के अगर आप try कर सकते हैं। So these are the features that you have extra in Zoom. Let us go back to end meeting for all. We will So ये था आपका जब आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं। दूसरा था आपका शेड्यूल मीट, जैसे कि आपको अभी भी आयुष सर ने सिखाया, आप कोई भी टॉपिक दे सकते हैं यहाँ पे। आई कैन राइट इट इज पंकज सर क्लास, पंकज सर क्लास मुझे कब चाहिए? मंडे को चाहिए, 6 जुलाई, मुझे 5 बजे से ये क्लास चाहिए। ड्यूरेशन हमारा 30 मिनट है, एंड आई कैन क्लिक इट एज अ रिकरिंग मीटिंग। रेकरिंग मीटिंग में जूम में ये फायदा होता है गूगल मीट के तुलना में कि आप जब भी चाहें उसको आप बढ़ा सकते हैं, मतलब जब भी आप खोलिएगा वो मीटिंग आपका जनरेट हो जाएगा। तो आप उसको ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर सकते हैं, और आपको जूम एक पर्सनल मीटिंग आईडी देता है जिसके तहत भी आप कर सकते हैं। आपको जूम परमिशन देता है कि आप पासवर्ड दे भी सकते हैं, पासवर्ड नहीं भी दे सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल मीटिंग के अंतर्गत आपका ये टैब पे आ रहा है। दूसरा आपका है शेयर स्क्रीन। तो यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं ज्वाइन इज ज्वाइनिंग अ न्यू मीट, आप लिंक के तहत भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ईमेल बोल रहे हैं, एक आईडी और पासवर्ड जो हम आपको देते हैं उसके तहत भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है दूसरा आपका है, अगर हम ऑप्शन में जाएं चैट, आप किसी के साथ भी जैसे व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सुंदर जो है मीटिंग, ये मीटिंग दिख रहा है क्या, ये मीटिंग वाला ऑप्शन? यस, पर्सनल मीटिंग। तो हर एक को जूम एक पर्सनल मीटिंग आईडी देता है और एक पासवर्ड देता है जिसके तहत आप हमेशा एक पर्सनल मीटिंग रूम पे आप कर सकते हैं। चौथा आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स है, तो कॉन्टैक्ट्स का ये रहता है कि आप कोई भी कॉन्टैक्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। एक है आपका पर्सनल मीटिंग रूम जिसमें आप अपना पर्सनल मीटिंग आईडी देके रिकरिंग मीटिंग क्रिएट करके रख सकते हैं। दूसरा है आपका होम। होम आपको 4 ऑप्शन देता है, कोई नया मीटिंग बनाओ, नया मीटिंग आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपके पास ऑप्शन आएगा लोगों को इन्वाइट करने का डायरेक्ट जीमेल से। दूसरा है आप कोई भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, जैसे कि आपने गूगल मीट में अभी अभी शेड्यूलिंग सीखा उसी तरह से। तीसरा है आपका शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन जैसे कि आपको मैंने व्हाइट बोर्ड दिखाया या कोई भी स्क्रीन शेयरिंग दिखाया, उसमें से एक की जनरेट करके आप भेज सकते हैं जिसका कि आपको जरूरत नहीं ज्यादा पड़ती।
लगता है अगर आप एनोटेशन में मल्टीपल शेयरिंग दे देंगे तो उससे काम हो जाएगा, लेकिन दैट इज एज मच एज आई कैन से फ्रॉम हियर। और एक चीज है, अगर आप लोग को दिख रहा है सेटिंग, एकदम राइट मोस्ट कॉर्नर में ये जो हमारा सेटिंग वाला गोला बना हुआ है, सेटिंग जूम के लिए ओबीएस काम करेगा। जूम इज अ वेरी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। और स्ट्रीमिंग यार्ड एक और एक सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली आपको ऑनलाइन होने देता है, वो भी जूम के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। फिर प्रेजेंटेशन ट्यूब भी है ओबीएस की तरह, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है जूम के लिए। प्रेजेंटेशन ट्यूब तो पेड है ना मैम? नहीं 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 फ्री आता है, प्रेजेंटेशन ट्यूब और ओबीएस दोनों फ्री सॉफ्टवेयर है। और स्ट्रीमिंग यार्ड एक ऑप्शन है, आप लोग अगर डायरेक्टली कभी भी यूट्यूब में ऑनलाइन होना चाहते हैं तो स्ट्रीमिंग यार्ड के थ्रू आपको डायरेक्टली स्ट्रीमिंग मिल जाएगा। आप अगर यूट्यूब में ऑनलाइन होने के पहले याद रखिएगा 24 घंटा पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है अपने ऑनलाइन होने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो अपलोडिंग के लिए नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको अपलोड होने के पहले आपको 24 घंटा पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और क्योंकि अभी हम लोग हर कोई दूसरे दूसरे जगह पे हैं और यूट्यूब सिर्फ आप ही के वेबकैम को फोकस कर सकता है वाइस स्टूडियो के दौरान, तो आप स्ट्रीमिंग यार्ड जैसे सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए। उसमें क्या होगा, आप लोग 8-10 लोग एक साथ एकदम डिस्कशन पैनल डिस्कशन तहत आप बैठ के उसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस आपको देता है। और एक प्रोविजन जो आपको जूम देता है वो ये है कि जूम आपको रिकॉर्ड करने देता है, जो कि आपको जिटसी जैसे सॉफ्टवेयर नहीं देता है। जिटसी रिकॉर्ड करने देगा लेकिन उसको उसके क्लाउड ड्राइव पे डाल देगा और क्लाउड ड्राइव खरीदने के लिए आपसे अनुरोध करेगा। और गूगल मीट रिकॉर्डिंग देता है सिर्फ जी सूट को, इसीलिए अगर आप लोग अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से रिकॉर्डिंग ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल जी सूट अकाउंट है तभी आप गूगल मीट से रिकॉर्डिंग कर पाइएगा, या तो नहीं कर पाइएगा तो आप उसके अंतर्गत आप जियो मीट या तो आप जूम यूज करके आप अपने चीजों को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और बताइए, कोई सवाल है तो रखते फिर से पूछे। I'm really sorry, मतलब जितने विंडोज हम लोग चाह रहे थे खोलना, हालांकि हम बार बार प्रेजेंटेशन में जा जाके खोल रहे थे लेकिन वो खुल नहीं पा रहा है। सो नहीं नहीं बहुत हो गया, फिर भी बहुत सारा चीजों को समझ सीखा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे तरीके से बताया और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और एक सबसे अच्छा व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन बताया कि सिंपली क्लासरूम के तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, क्लासरूम के तरह उसे पढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट सेव भी कर सकते हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो देखिए अब थैंक यू भी आ रहा है आपका लिख करके वो आइकन के साथ, तो सब जी नमस्कार की जगह मैं थम्स अप ज्यादा प्रिफर करूंगी। अगर आप लोग 10% भी सीख पाए हैं तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज। तो थैंक यू मैम, सब लोग थम्स अप दे रहे हैं, तब तक मैं ओके श्योर थैंक यू। बहुत ही और कोई भी अगर हम एंड तक हैं, अगर कोई भी आपको डाउट हो उसके कंपैरिजन में आई क्लियर इट। थैंक यू मैम। नेक्स्ट स्पीकर के रूप में फिर अब मैं आज के नेक्स्ट स्पीकर के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी जी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी आइजोल में है सर। और सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एक टीचर एजुकेशन, और उन्होंने टीचर एजुकेशन पे बहुत सारे काम किए हैं, और आजकल वो इस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके जरिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, और काफी इनका अच्छा अनुभव, मतलब दोनों का मिक्सचर है टेक्नोलॉजी और टीचर एजुकेशन का, तो ब्लेंड फॉर्म में सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर से आग्रह है कि सर हम सभी जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ एक्सटेंड करके बताएं आगे कि क्या और कुछ हो सकता है, और जहां तक एक्सपेक्ट करें कि सर सिस्को वेबएक्स जो एक अलग सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कैसे उससे मीटिंग वेबिनार कंडक्ट किया जा सकता है। थैंक यू पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड डायरेक्टर
NIBH, though now name may change, but still I know that institution by NIBH. So I'm thankful to director and organizer of this program, and I extend my namaste and good afternoon to all the participants. So with this, I would like to go directly to my presentation. And my topic is Cisco WebEx, and मुझे लगता है कि थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा. यस सर, जैसा कि आपने बताया कि हिंदी पार्टिसिपेंट ज्यादा है, अगर किसी को आपत्ति हो तो वो चैट बॉक्स में लिख के इंग्लिश हिंदी चेंज करवा सकते हैं. और एक जो सिस्को WebEx कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टीम वर्क के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सिस्को एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी है जो नेटवर्किंग में काम करती है, जो अमेरिकन कंपनी है. मैं उसकी साइट पे डायरेक्टली चलता हूँ. आपको मेरी स्क्रीन पे गूगल का पेज दिख रहा होगा. दिस इज गूगल पेज वेयर यू कैन टाइप WebEx. आई एम डीलिंग विद न्यू लर्नर ऑफ बीएड डीएलएड प्रोग्राम, सो हु आर ऑलरेडी नोइंग प्लीज हैव पेशेंस. ये WebEx का गूगल से मैं सर्च करके WebEx की साइट में पहुंच रहा हूं. यहां पर ये WebEx का अपना साइट है और इसके आप साइन इन कर सकते हैं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है. यहां पे WebEx मीटिंग और WebEx टीम है. WebEx टीम का दूसरा पर्पज है, WebEx मीटिंग पे हम जाएंगे जिसे हम मीटिंग या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज करते हैं. और अपनी ईमेल आईडी से हम इसको लॉग इन करेंगे. जिनके पास इसका अकाउंट नहीं है वो यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं. बहुत ज्यादा नहीं, तो दो चार डिटेल पूछने के बाद ही आप इसका अकाउंट पा जाएंगे. ऐसे जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ये मुझे साइन इन के लिए प्रॉम्प्ट करेगा. आपको ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर. ये सिस्को का होम पेज है, सिस्को मीट का. यहाँ पर ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में मीटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, प्रेफरेंस सेट करने के लिए, और बाकी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है. सपोर्ट और डाउनलोड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको या एक्सटेंशन गूगल क्रोम जैसे आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे. सिस्को का जो ऐप है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर. ये जैसे कि सिस्को WebEx मीटिंग डेस्कटॉप ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ब्राउजर की बजाय आप वहाँ से अब मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या होस्ट कर सकते हैं. जिसको WebEx प्रोडक्टिव टूल है जिसके थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर से आप कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको होम पेज पे ही दिख जा रहे हैं, स्टार्ट मीटिंग या शेड्यूल मीटिंग. तो पहले या स्टार्ट मीटिंग में ऑप्शन है कि आप तुरंत अभी एक मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और शेड्यूल मीटिंग में आप दो मिनट बाद या दो दिन बाद या दो महीने बाद कभी का भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं. तो यहाँ पर मीटिंग का टॉपिक दे देते हैं, कोई भी जैसा आप जिस लेवल का प्रोग्राम करना चाहते हैं, नेशनल सेमिनार लाइक दैट या क्लास ऑन. यहाँ पर सिस्को आपको पासवर्ड यहाँ मैंडेटरी है, कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड आपको डालना है. जैसे कि अदर जूम में या गूगल मीट में विदाउट पासवर्ड भी लोग आ सकते हैं, इसमें पासवर्ड चाहिए. अब यहाँ पर टाइम और डेट सेट करना है कब आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं. तो दो ऑप्शन है यहाँ पर, टाइम और डेट सेट करने का और टाइम जोन सेट करने का. पहले आप टाइम जोन सेट करिए. ये चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये इंडिया का टाइमिंग है. क्योंकि अगर आप पहले टाइम सेट कर देंगे और फिर टाइम जोन सेट करेंगे तो वो फिर चेंज टाइम चेंज हो जाएगा.
अब डेट मैं कोई भी रख लेता हूँ, 8 या आज का भी रखा जा सकता है, 2 मिनट बाद का भी रखा जा सकता है। और 8:05 पे सुबह ये मीटिंग रखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप तो ये फ्री वर्जन है, ट्रायल वर्जन है, हमने इसका इसको परचेज नहीं किया, तो 50 मिनट से ज्यादा की मीटिंग हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 मिनट ही हम मीटिंग कर सकते हैं फ्री में, अदरवाइज आप हमको अपग्रेड करना पड़ेगा परचेज करते हुए, तब हम किसी भी लिमिट के टाइम फ्रेम में मीटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि उपासना मैडम ने भी बताया कि रिकरेंस, यहाँ रिकरेंस वर्ड से मतलब है कि आप ये मीटिंग 8:50 पे कब कब करना चाहेंगे, 8:05 पे, जैसे मंडे, एवरी मंडे या एवरी संडे या कुछ फिक्स डेट में फिर से रिपीट करना चाहेंगे, तो आप यहाँ रिकरेंस पे क्लिक करके उन डेट को सेट कर सकते हैं। यहाँ अटेंडीज कौन होंगे, तो सिस्को में 2-3 लेवल पे आपको इनविटेशन का ऑप्शन देता है। पहले तो मुझे ईमेल याद है, वैसे यहाँ पर मेरे अकाउंट साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो मैनेज अकाउंट से भी ईमेल आईडी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे कि अपनी दूसरी आईडी डालता हूँ, और अभी तो इसमें सिस्को मैंने सुबह से ट्राई किया कई बार, मेरा अकाउंट में हो सकता है कि, और अकाउंट सेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो माई कॉन्टेक्ट में जाके अकाउंट सेट भी कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट हम सारे ईमेल नहीं ले सकते अपने अकाउंट से, शायद कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होगा जी। तो एक तो ये लेवल पे यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कौन अटेंड करेगा, ठीक है। और अगर हमारी बाकी सब प्रायोरिटीज सेट है यहाँ प्रेफरेंसेस से, तो हम मीटिंग को यहाँ शेड्यूल पे क्लिक करके मीटिंग शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं एडवांस ऑप्शन में जाके, जैसे कि ऑडियो कनेक्शन, कोई ऑडियो कनेक्शन हम यहाँ पर नन कर देंगे, कोई भी उधर से बात नहीं करेगा, हम ही बात करेंगे, सिर्फ प्रेजेंटर बात करेगा। एजेंडा क्या होगा, एजेंडा ये रहेगा, किसे ईमेल जाएगा वो पहले से अपनी तैयारी कर लेगा कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी है इस मीटिंग में, वो अपना तैयारी करके आएगा। शेड्यूलिंग ऑप्शन, रिक्वायर अकाउंट, मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके सिर्फ जिनके वेबिक्स पे अकाउंट है वही लोग लॉग इन कर सकेंगे, अदरवाइज मेरे लिंक से कोई भी बिना सिस्को अकाउंट के भी मीटिंग अटेंड कर सकता है क्लिक करके। एक्सक्लूड पासवर्ड, अगर जो मैं ईमेल अभी भेजूंगा, जैसे कि एक ईमेल मैंने यहाँ सेट किया, लिंक में जो भेजूंगा उसमें मीटिंग का जो पासवर्ड मैंने यहाँ डाला है 1234, ये भी साथ में जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ईमेल से पासवर्ड भेजूं और मैं व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से या पर्सनल मैसेज से या फोन करके पासवर्ड बताऊंगा, क्योंकि दोनों एक साथ जाने पे थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, तो मैं एक्सक्लूड पासवर्ड कर दूं, तो वैसे एक्सक्लूड पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। अटेंडीज कैन ज्वाइन मीटिंग 5 मिनट्स बिफोर स्टार्ट टाइम, यहां पर हम टाइम 5 मिनट 10 मिनट सेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, जैसे मीटिंग या सेमिनार के पर्पज में हमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, अगर रजिस्ट्रेशन को हम रखते हैं तो हमें तो मैं जो बता रहा था कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन सिस्को देता है, अभी इसमें मैंने मॉर्निंग में ही ट्राई किया था, रजिस्ट्रेशन बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ईमेल रिमाइंडर 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर, हम ईमेल का रिमाइंडर भेज सकते हैं मीटिंग से पहले, यहाँ से 15 मिनट बिफोर ऑटोमेटिक परसों एक ईमेल जाएगा पार्टिसिपेंट के पास में। मीटिंग ऑप्शन, चैट, नोट्स, क्लोज इनेबल क्लोज कैप्शन, ये सब ऑप्शन यहाँ पर है। कैप्शन आप समझ रहे होंगे कि जो मीटिंग में मैं बोल रहा हूँ वो लिख के भी आएगा, कोई कैप्शन उसमें डालता रहेगा। और
अटेंडीज प्रिविलेज, यहाँ पर जैसे कि कभी आप में से कोई एक शेयर करने लगा था, तो यहाँ पर हम उनको सेट कर सकते हैं कि आप पार्टिसिपेंट जो है होस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग यहाँ पर पहले से ही हम कर सकते हैं, एनोटेशन का सेटिंग कर सकते हैं, एनोटेशन का पहले से जो पार्टिसिपेंट हैं वो एनोटेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सेव प्रिंट एनोटेट, पार्टिसिपेंट लिस्ट देख सकते कि नहीं देख सकते हैं। इसको अगर मैं हटा दूंगा तो इसको करने पे अब ये जो आप सिर्फ पैनलिस्ट को देख सकेंगे, पार्टिसिपेंट को नहीं देख सकेंगे, जो बोल रहे हैं जो होस्ट है उन्हीं को देख सकेंगे। ये थंबनेल व्यू मींस स्मॉल ऑल पार्टिसिपेंट को देखने का ऑप्शन ये तभी होगा जब पार्टिसिपेंट लिस्ट देखने लायक होगी। कंट्रोल डेस्कटॉप रिमोटेडली, ये एक ऑप्शन है जो बेसिकली मीट टीम का एक फीचर है, ये सिस्को टीम का फीचर है। जैसे कि मैं आपके डेस्कटॉप पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ, वहां से डेटा एक्सेस कर सकता हूँ या कोई सॉफ्टवेयर रन कर सकता हूँ। ये फीचर कभी कभी जरूरत पड़ती है जब मैं देखूं कि आपके सिस्टम से कोई डेटा लेना हो, कोई फाइल लेनी हो, तो मैं आप वहां एक्सेस मुझे प्रोवाइड करेंगे तब मैं आपके सिस्टम में मेरा मैं अपने माउस से आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकूंगा। व्यू एनी डॉक्यूमेंट, व्यू एनी पेज, ये इसके बाद ये ऑप्शन आते हैं। तो इस तरह की सेटिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी मीटिंग शेड्यूल, अभी तक किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी भी जगह पे असुविधा हुई हो तो पूछ सकता है, क्योंकि हमने एक मीटिंग शेड्यूल कर ली है। मैं आगे बढ़ूं पंकज जी? हाँ सर, आगे बढ़े सर, क्योंकि मीटिंग शेड्यूल जो एक बेसिक थिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं नेशनल सेमिनार मीटिंग। पंकज जी दिख रहा है कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम आ रही है हमारे सिस्टम में? नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये जो मीटिंग आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये लिंक को यहाँ जो शेयर का मैंने एक वहां पर ऑप्शन बताया था, एक यहाँ पर ऑप्शन है कि कॉपी हम करेंगे और इस लिंक को ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कहीं भी पोस्ट कर देते हैं। और इस लिंक से इसमें देखिए चैट बॉक्स में आ रहा है, एक मैंने अभी जो क्रिएट किया है इसमें लिंक भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है। मैं चाहता तो इस मैसेज के साथ में पासवर्ड नहीं जाता, वहां पर जो सेटिंग मैंने बताई थी। आप देखिए चैट बॉक्स में आया है, चैट बॉक्स में आप लोगों को दिख रहा होगा, और इस लिंक के साथ क्लिक करके आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या इस मीटिंग नंबर को आप बेबेक्स के मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पर फीड करके और इस पासवर्ड को 1234 को यूज करके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अब यहां पर जो आयुष जी ने भी बताया था कि एडिट का ऑप्शन है, जैसे मैंने लिंक ऑफिशियली जो ईमेल मैंने ये डाला है, ऐसे बहुत सारे ईमेल यहाँ भी मैं फीड कर सकता हूँ। जैसे पंकज जी डोंट माइंड, मैं ट्रायल के लिए आपका ईमेल डाल रहा हूँ, आप अटेंड मत करिएगा, तो आपका ईमेल याद है, जो डालना है सर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने पंकज शाह जी के, अब मैं जब भी एडिट करूंगा यहाँ पर डेट टाइम कुछ भी एडिट करूंगा तो ये दो ईमेल है इनके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ईमेल पहले से सेट करना ये बेहतर होता है, लिंक जो कॉपी करके शेयर किए गए हैं उनको ये मैसेज नहीं मिलेगा टाइम चेंज होने का। ये यहाँ पर हम टाइम चेंज करते जो भी एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, सेटिंग एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और
यहाँ पर एक आप देख रहे हैं सेव एज टेम्पलेट, जो भी हमने सेटिंग की है इसे हम टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई मीटिंग करेंगे इन सब चीजों का, इस टॉपिक का या इन लोगों को मैसेज चला जाए या इस तरह के ही, मतलब कि सेटिंग जो भी हमने अभी तक की है वो ऑटोमेटिक हो जाए। एड टू माय कैलेंडर, यहाँ पर मैं इस मीटिंग को हो सकता है परसों तक मैं ही भूल जाऊं या जो लोग भी हैं उनको मैं एड टू मैं कैलेंडर करूंगा, कैलेंडर से भी मैं शेयर कर सकता हूं, मैंने इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ओपन भी कर सकते हैं। अब जितनी भी मैं ईमेल कर रहा हूं मैं ईमेल करूंगा और इसको मैं इस, ये दिख रहा होगा फाइल मेरे डेस्कटॉप पे, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। ये इस फाइल को मैं शेयर कर सकता हूँ और जो लोग भी ईमेल पाएंगे और वो इसको सेव कर सकते हैं इस डेट को टाइम को अपने कैलेंडर में। वैसे सिस्को के जो सेटअप जो बाय डिफॉल्ट पंकज जी को ईमेल जाएगा या अदर ईमेल जो मैं फिट किया हूँ अपनी, उनमें गूगल कैलेंडर का एक फाइल जाएगा और उस फाइल में वो सेव कर ले, उसमें ऑप्शन देगा। मैं दिखाता हूं पहले, ये देखिए ये मीटिंग का आया है मेरे ईमेल पे, दिख रहा है आपको? ये मुझे एक ईमेल मिला है जो अभी हमने नेशनल सेमिनार वाली मीटिंग क्रिएट की थी, यहाँ पर मुझे गूगल कैलेंडर का लिंक दिया है, अपडेट इंफॉर्मेशन इसलिए दिख रहा है कि मैंने जो एडिट पे क्लिक किया था। ये देखिए ये बेबिक्स मीटिंग डाउनलोड का है, इनवाइट आईसीएस डाउनलोड, इसको मैं वही डेट है ये, और उसको मैं सेट कर सकता हूं। और यहां भी अभी पॉपअप हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये चेंज हुआ, यस नो, यहाँ पर यस कर देंगे तो ये मैसेज भी चला जाएगा ऑर्गेनाइजर के पास कि मैं अवेलेबल रहूंगा या मे भी मेरा कुछ ठीक नहीं है, मैं कल फ्री होऊंगा परसों तो मैं अटेंड कर लूंगा, या नो कर सकता हूँ यहाँ पर तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि मैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। ये गूगल कैलेंडर से लिंक होने का ये फायदा है, ये गूगल कैलेंडर देखिए और बहुत सारे फीचर हैं, ज्यादा कंफ्यूज करने से मैं चाहूंगा कि हम सीमित दायरे में रहें अभी। ये तो रहा बेसिक मीटिंग, अब रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहां पर है, सॉरी रिकॉर्डिंग अभी पुराना रिकॉर्डिंग दिखाएगा, मैं फिर से एक मीटिंग क्रिएट करता हूं कि जो मैंने मीटिंग क्रिएट की थी वो तो परसों की है तो मैं अभी उसमें डेमो कैसे दे सकता हूं रिकॉर्डिंग का, तो मैं एक मीटिंग क्रिएट करता हूं अभी। स्टार्ट ए मीटिंग, अब आप देख रहे हैं कि मीटिंग मैंने कभी क्रिएट की है, तुरंत मैं अभी मीटिंग शुरू करने जा रहा हूं और कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है? यहां भी सिस्को ऑप्शन देता है इनवाइट करने के लिए, इनवाइट एंड रिमाइंड, अगर मैंने पहले से किसी को ईमेल भेजा है तो मैं उसको इनवाइट कर सकता हूं। आप चाहे तो कुछ पार्टिसिपेंट को पहले से इनवाइट कर रखा है, बाद में आप फिर चाहते हैं कि वो आदमी रह गया उसको भी इनवाइट कर लें।
तो आप इस यहां से भी भेज सकते हैं। ये देखिए इनविटेशन आ गया है। वन मिनट पंकज जी, क्योंकि एक ही सिस्टम पे दो लोग इन कैसे काम करेंगे, तो इसलिए इनविटेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं अपना लैपटॉप ऑन कर दिया हूँ, तो उसमें मैं कुछ फीचर बताना चाह रहा था। तब तक मैं दूसरी फीचर देखता हूँ, जैसे रिमाइंड यहाँ पर कि इनको मैंने इनवाइट किया था इस समय पर 4:44 में, लेकिन ये आए नहीं, तो मैं एक सेंड रिमाइंडर भी कर दे रहा हूँ। और रिमाइंडर जा चुका है। अब जो उपासना मैडम में जूम में फैसिलिटी दी थी, अब मैं देखता हूं कि यहां पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर दिख रहा है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज, ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? आपका सिस्को का दिख रहा है? सिस्को का दिख रहा है। वन मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूं। मैं अपना प्रेजेंटेशन फिर से शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने एक पीडीएफ फाइल खोली थी। मैं इंटायर स्क्रीन शेयर करूंगा, तो तब शायद आपको दिख जाए। दिख गया। अब ये मैंने जो स्क्रीन शेयर किया था उस पर वेबएक्स पे, ये पीडीएफ फाइल शेयर की थी। दिख रही है पीडीएफ फाइल आपके इस प्रोग्राम की? पीडीएफ फाइल दिख रही है। जो एनोटेशन मैडम ने दिखाया था, वो एनोटेशन का यहाँ भी ऑप्शन है, शेयर, असाइन, रिकॉर्ड, पार्टिसिपेंट्स, चैट, एनोटेशन। तो एनोटेशन में और आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए एनोटेशन के ऑप्शन आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे होंगे। अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपके काम आ सकती हैं। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि डबल शेयरिंग हो रहा है, गूगल मीट से हो रहा है, फिर सिस्को से हो रहा है, हो सकता है कि कहीं गूगल क्रोम ना बैठ जाए। सिस्को बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट में आप अनम्यूट, म्यूट, अनम्यूट अपने आप कर सकते हैं, म्यूट ऑल कर सकते हैं, अनम्यूट ऑल कर सकते हैं। म्यूट ऑन एंट्री क्लिक करने पे जो भी स्टार्ट करेगा उसका आवाज नहीं आएगा, वो जब डिसाइड कर ले कि वो सक्सेसफुली लॉग इन कर लिया है, अब उसके आसपास नॉइज नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, तो वो उसको ओपन कर अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। एंट्री एंड एग्जिट टोन का इनवाइट एंड रिमाइंड यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर एनीवन कैन शेयर और असाइन प्रिविलेजेस, जो पहले मैंने किया था वो यहाँ भी ऑप्शन दिया है मीटिंग के दौरान। वो मैंने वेबसाइट पे सेटिंग की थी, यहाँ भी आप सेट कर सकते हैं कि होस्ट, प्रेजेंटर, अदर पार्टिसिपेंट, एवरीवन, ये सब यहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर एक बार में चेक ऑल कर सकते हैं, अनचेक कॉल कर सकते हैं। तो प्रिंट सेव एनोटेशन के जो ऑप्शन है पार्टिसिपेंट के पास, वो सेट किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक और फैसिलिटी है लॉक मीटिंग। जैसे कि क्लास में होता था कि टीचर
लॉक मीटिंग करने पर ये देखिए यहां पर लॉक का ऑप्शन आ गया, दिख रहा है छोटा सा की। पंकज जी आप बता सकते हैं आवाज देके? जी जी जी, छोटा सा की दिख रहा है। इसी अनलॉक मीटिंग की ये फैसिलिटी है कि हम जब मीटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, मैंने वहां सेटिंग कर रखी है प्रेफरेंसेस में कि 10 मिनट के बाद कोई भी इंटर नहीं करेगा, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो 2 बजे पार्टिसिपेंट 3 बजे इस मीटिंग में शामिल हो गए तो वही लोग इस मीटिंग में रहेंगे, उसके 10 मिनट तक छूट है, 10 मिनट के बाद कोई नहीं आएगा। तो ये लॉक का फैसिलिटी है यहाँ पर, और रिकॉर्डिंग का भी यहाँ भी ऑप्शन दिया है। ये हमारा विवेक्स का ऐप है, डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर है, उस पर यहाँ दिखा रहा है। मीटिंग के दौरान भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। वेलकम मैसेज का एक ऑप्शन है छोटा सा, बहुत सारी फीचर है जो अभी मैंने भी एक्सप्लोर नहीं की है, जबकि मैं लॉकडाउन से 1 साल पहले कुछ मीटिंग अटेंड किया था वेवेक्स से, तो इतने दिन के एक्सपीरियंस के बावजूद भी जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं की है। ये वेलकम मैसेज का ये है कि जब मैं मीटिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा वेलकम टू नेशनल सेमिनार, तो ये मैं सेट कर सकता हूँ। ये वेबसाइट पे जाके सेट, जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर जाके वेलकम मैसेज का लिंक खुला होगा, या उसकी सेटिंग पे जाके मैंने इसको ऑलरेडी आज ही प्रैक्टिस किया है, इस पे वेलकम मैसेज सेट किया है, लेकिन अभी इसमें नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया हो, सुबह से चलते चलते ऐसा होता है। पार्टिसिपेंट में एक चीज और है, मैं जैसे कि पंकज जी को इनवाइट किया था और मैंने इस मीटिंग में भी एक अपने आप को इनवाइट किया दूसरी ईमेल आईडी पे, तो मैं यहाँ पर उसको दिखाता हूँ कि असाइन प्रिविलेज आप जान ही गए कि कौन होस्ट हो सकता है, कौन प्रेजेंट कर सकता है। मैं दूसरे सिस्टम पे लॉगिन कर रहा हूं जिससे कि चेंज ऑफ रोल भी हो सकता है कि मैंने मीटिंग स्टार्ट की लेकिन मैं दूसरे को होस्ट बना सकता हूं, यहां से दूसरे को प्रेजेंट, मैं एक सिंपल पार्टिसिपेंट हो सकता हूं और मैं फिर से अपना होस्ट रिक्लेम कर सकता हूं। शेयर का डायरेक्ट यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, ये शेयर का ऑप्शन है, लेकिन यहां से भी शेयर में हमें ऑप्शन मिलते हैं। और चैट, जैसा कि आप गूगल मीट में चैट कर रहे हैं, चैट का ऑप्शन है, और लॉक मीटिंग इनवाइट एंड रिमाइंड, कॉपी मीटिंग लिंक, यहां से कॉपी करके अभी मैं भेज सकता हूं लिंक को, मतलब मीटिंग के दौरान भी ऑप्शन देता है। ऑडियो कनेक्शन का ऑप्शन देता है, स्पीकर माइक्रोफोन और कनेक्ट टू ए डिवाइस, जो उस समय हमने बताया था कि दूसरे सिस्टम से हम एक्सेस कर सकते हैं सम डेटा, तो उसका ऑप्शन यहां देता है। वीडियो को बंद करना, ये आप देख रहे हैं कि ये जो वीडियो वाला ऑप्शन है ये रेड दिख रहा होगा। हेलो जी सर, दिख रहा है? अच्छा, मुझे लगा पंकज जी मैं अकेले बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग हमारे साथ आपके साथ हैं। नहीं, ऐसा होता है कभी कभी कि थोड़ा सिस्टम मेरा पुराना है, डेस्कटॉप जिस ऑफिस का, और काफी समय चलते चलते खराब भी, लो मेल फंक्शनिंग करने लगता है, मिला कि ऐसा नित नहीं हुआ कि हम लॉग आउट हो गए। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो सिस्को वेबएक्स के ऐप में ये रेड दिख रहा है, वीडियो मेरा नहीं दिखेगा क्योंकि वेबकैम एक ही वीडियो एक समय पे
दिखा सकता है, इसलिए कैमरा ऑलरेडी मेरा ऑफ है। यहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट डायरेक्ट कर सकते हैं, और पार्टिसिपेंट को, अगर मैं होस्ट हूँ तो पार्टिसिपेंट को यहाँ से म्यूट अनम्यूट कर सकता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है, अभी ये चेंज रोल का ऑप्शन है, क्योंकि कोई दूसरा पार्टिसिपेंट ना होने से ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ वेबेक्स पे। कोई दूसरा पार्टिसिपेंट होता तो शायद ये एक्टिव होता। तो चेंज रोल में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप दूसरे को होस्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटर बना सकते हैं, और यहाँ नीचे जो ऑप्शन है रिक्लेम होस्ट रोल, आपने मीटिंग स्टार्ट की है, आप फिर से अपने आप को होस्ट बना सकते हैं। वहां से फैसिलिटी जो प्रेजेंटेशन की है, या किसी को इनवाइट करने की है, या किसी को मीटिंग के दौरान परमिशन देने की है, वो सब खत्म कर सकते हैं रिक्लेम होस्ट रोल पे जाके। तो अब मैं जो दूसरा ट्राई कर रहा था कि दूसरे सिस्टम पे अपने आप को लॉग इन करके आपको बता सकूं कि दो लोग जब जुड़े होते हैं तो कौन कौन सी फीचर आप यूज कर सकते हैं। ये ओवरऑल प्लेटफॉर्म है, और इस सिस्को वेबेक्स पे आप 50 मिनट के लिए ही, लेकिन 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं ट्रायल मोड में भी। लेकिन सिस्को जो कंपनी है, ये सिस्को मीटिंग का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये मीटिंग के पर्पस से आपको सजेस्ट करता है, और बहुत सारे बड़े सेमिनार जिसमें हजारों लोग जुड़ जा रहे हैं आज के, जैसे कि 2000 3000 10000 इवेंट में लोग जुड़ रहे हैं इंटरनेशनली लॉकडाउन में, इसके लिए सिस्को सजेस्ट करता है सिस्को इवेंट करके उनका फीचर है। सिस्को वेबेक्स इवेंट आपको और अधिक फीचर देता है, जहां पर आप पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपके 5 पैनलिस्ट हैं, तो आप उन 5 लोगों को आप सिर्फ दिखा सकते हैं। वैसे इसमें भी फीचर थी कि जो पार्टिसिपेंट लिस्ट है वो विजिबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए बड़ी इवेंट के लिए सिस्को वेबेक्स इवेंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सिस्को मीट 1000 तक के लोगों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। पंकज जी, यस सर, बताए सर, अब आगे आदेश करिए कुछ और भी। नहीं बिल्कुल, क्वेश्चन किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रखे, सर से पूछे, कोई सवाल है किसी का। ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना सिस्को से कैसे किया सकता है मैंने बता दिया है, और अपग्रेड करने के लिए $13.50 में आप परचेज कर सकते हैं, तो आपको और अधिक फीचर मिल सकती है। नहीं नहीं, थैंक यू सर, किससे बहुत सारा एक अपॉर्चुनिटी मिला लोगों को लर्न करने के लिए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने कम समय में आपको आप आए सब लोग, और सब लोगों ने इतना बढ़िया से किया। मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार करें, क्योंकि ये सब चीजें स्किल बेस्ड है, जब तक आप करेंगे नहीं समस्याएं नहीं आएंगी। आप इनके ईमेल भी, मैं चाहूंगा चैट बॉक्स पे आप दोनों अपना ईमेल शेयर कर दें, ताकि जिनको ईमेल नोट करना है आपका ईमेल नोट कर देंगे सर। मैडम आप भी, तो आप दोनों लोग नोट कर ईमेल कर दे, और आईसी का मैं शेयर कर दूंगा, ताकि सब लोग अवेयर है, क्योंकि कुछ पूछना चाहते हैं, कोई तकनीकी समस्या आती है, तो क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, और जितना सीखेंगे दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि आप लोग तो मैंने डेमो में अपने 2 ईमेल आईडी ऑलरेडी दिखा दिए हैं, जो जरूरतमंद समझदार लोग होंगे ऑलरेडी ले लिए होंगे।
मैं फिर से अपना ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ, चैट बॉक्स पे डाल दीजिए सर, बस डाल दिया सर। तो अगर जिनको लेना हो, 5 पीएम पे मैंने अपना ईमेल शेयर किया है, फीडबैक के लिए भी आप बता सकते हैं कहीं कोई कमी हो प्रेजेंटेशन में। सभी पार्टिसिपेंट से मैं आग्रह करता हूँ कि कोई फीडबैक हो प्रेजेंटेशन में, अगली बार और अच्छे से प्रेजेंट मैं कर सकूं वो भी बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया, सभी लोगों ने बहुमूल्य समय दिया, आयुष जी का, आपका सर, और उपासना मैडम का। मैं सभी प्रतिभागियों की ओर से तथा अपने जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगन सशक्तिकरण संस्थान की ओर से मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का, आप लोग आए, आशा है कि हम लोग फिर से जुड़े रहेंगे और कुछ बेहतर कर पाए देश के लिए, कि लोग पढ़े, पढ़ने शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया से जुड़े रहे, छूटे ना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जारी रहे। धन्यवाद सभी का।